हेलो फ्रेंड, आपका मेरे नेटिंग टिप्स चैनल में स्वागत है। जी देखिए फ्रेंड, आज हम आपको इस कोटी का डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना इजी है इस डिजाइन को। ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका बॉर्डर बनाना सिखाया था, आज हम आपको ये फ्लावर डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ईजी डिजाइन फ्रेंड, आप इस डिजाइन को बनाना चाहते हो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। ये देखिए, मैंने इस जॉकेट को डिजाइन को जॉकेट में बेबी फ्रॉक में डालेंगे, बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने अपनी कोटी बनाई है, ये देखिए। इसको बनाने के लिए मैंने पीछे वाले पार्ट में 130 फंदे लिए थे, आगे वाले पार्ट में 65 फंदे और 10 फंदों की हमारी ये बटन पट्टी है। चलिए फ्रेंड, बनाकर देखते हैं ये डिजाइन कैसे बनाया जाएगा। पहली वीडियो में मैंने आपको बॉर्डर बनाना सिखाया था, आज हम आपको ये देखिए ऊपर ये फ्लावर डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड, आप प्लीज़ ये डिजाइन बनाना चाहते हो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। बॉर्डर बनाने के बाद आपने फंदों को बढ़ाना है। आप उल्टी सिलाई बनाएंगे, जब उल्टी सिलाई में जितने भी आप फंदे बढ़ाना चाहते हैं आप उल्टी सिलाई में फंदों को बढ़ा लीजिए। अब हमारा सीधी सिलाई में डिजाइन बनना शुरू होगा। सीधी सिलाई, अब हमारी रो वन पहली सिलाई बनाएंगे, पहला फंदा आप उतार लेंगे। ऐसे एक फंदा उतारेंगे, एक दो तीन चार, ऐसे आप चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, आगे की साइड दो का एक बना लेंगे, ऐसे दो का एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, इन दो फंदों को पीछे की साइड सिलाई डाल के दो का एक, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात, बीच में हमारे जो सात फंदे, ये देखिए मैंने सात फंदे सीधे बना ले, दो एक दो तीन चार पाँच छः सात, आगे साइड एक और दो, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली बनाएंगे, नेक्स्ट एक और दो फंदों को ऐसे उतार के पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, दो का एक बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे सीधे बनाए और एक और दो आगे की साइड सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाली बनाएंगे, पीछे की साइड सिलाई डाल के दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे दो का एक, एक दो तीन चार। ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने जहाँ से हमारे एक दो तीन चार और पाँच, जहाँ से मेरे पांच फंदे थे स्टार्टिंग से, लास्ट आपके पास ऐसे छह फंदे रहेंगे। आपके पास एक दो फंदे ज़्यादा और कम हो जाएंगे तो चलेगा। सीधी सिलाई बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली। अब बैक साइड रो टू को बनाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, बैक साइड सिलाई आपने हमेशा उल्टी ही बुननी होगी। जाली वाला फंदा बैक साइड से सिलाई डाल के अब उल्टा बना, ऐसे
ये देखिए उल्टी सिलाई बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली। अब आ जाइए सीधी साइड यानी कि थर्ड रो। पहला फंदा उतार लेंगे, एक दो तीन, ऐसे तीन फंदे सीधे बनाए, एक और दो आगे की साइड सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक, दो का एक बनाया, फिर से जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बनाए, जाली बनाएंगे, आगे की साइड दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की साइड सिलाई डाल के दो का एक बना देंगे, ऐसे दो का एक, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे बनाए, एक और दो आगे की साइड सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली बनाएंगे, आगे की साइड इन दो फंदों को ऐसे उतारेंगे और पीछे की साइड सिलाई डाल के दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, एक और दो आगे की साइड सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, से जाली बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे, उतारेंगे, ऐसे पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड फोर्थ रो, फोर्थ रो में सभी फंदे आपके उल्टे उल्टे बनेंगे, ऐसे ये देखिए बैक साइड मैंने उल्टे उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट करी। सीधी साइड फिफ्थ रो, दो फंदे ऐसे सीधे बनाए, एक और दो आगे की साइड दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक एक दो तीन चार पाँच, ऐसे पांच फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को आगे से उतार के ऐसे पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, आगे की साइड एक और दो, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, आगे की साइड दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, दो का एक, ऐसे दो का एक बनाया, एक दो तीन फंदे सीधे, आगे की साइड एक और दो का एक, ऐसे दो का एक बनाया, धागा ऐसे हम जाली बनाएंगे, तीन फंदे, एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाएंगे, आगे की साइड दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, दो का एक, एक दो तीन चार, पांचवी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। बैक साइड छह में सिक्स रो,
ये देखिए सिक्स रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड अब हमारी सेवन रो बनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, नेक्स्ट एक फंदा उल्टा बनाएंगे, सॉरी सीधा बनाएंगे, एक और दो आगे की साइड दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ऐसे दो का एक जाली बनाएंगे, एक दो तीन सॉरी दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे सीधे जाली बनाएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की ओर सिलाई डाल के दो का एक, दो का एक, एक फंदा सीधा आगे की साइड एक और दो का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे सीधे बनाए, ऐसे जाली बनाएंगे, दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, ऐसे दो का एक, एक फंदा सीधा आगे की साइड एक और दो का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे सीधे फिर से जाली बनाएंगे, आगे की साइड दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे, दो का एक, एक दो सीधे, ऐसे हमारी सेवन रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड एट रो, एट रो को आप ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड अब हमारी नाइन रो, नाइन रो में अब हम जहाँ से ये वाला फ्लावर बनाएंगे, कि एक दो, अब हम जाली नहीं बनाएंगे, तीन चार पाँच छः, ऐसे हमें छः फंदे जो सीधे बना ले, छः फंदे सीधे बनाए। आप देखिए स्टार्टिंग वाली जा लीजिए, यहाँ से हम ऐसे सिलाई को निकालेंगे, एक ऐसे हम लंबा फंदा ले लेंगे, अब इसको सीधा बनाएंगे, इसको ज़्यादा टाइट रखेंगे ना ही आप लूज रखेंगे, आप इसको ऐसे बना लेंगे, ये देखिए। अब नेक्स्ट ये दो नंबर जाली में आएंगे ऐसे, इसमें आप सीधा फंदा बनाएंगे, ये देखिए दो फंदे आगे। अब नेक्स्ट तीन नंबर जाली में आएंगे, ऐसे लास्ट चार नंबर जाली में ऐसे, ये देखिए फ्रेंड चार जाली में मैंने ऐसे हम डबल फंदे निकाल लिए। अब हमारी लास्ट नहीं सॉरी चार, अब इस निडल में हम जहाँ से सिलाई निकालेंगे पांच में, देखिए पांच फंद, पांच फंदों में हमें बना ली, अब छह में जाली में से, ऐसे हमारी छवीं जाली में आया, एक लंबा फंदा बना लिया। अब सातवीं जाली में जहां से सात जाली में बना लिया, अब हमारा लास्ट ये आठवीं जाली है।
ये देखिए फ्रेंड, जहाँ से मैंने 8 फंदे बना ले, अब हमारा ये एक सेंटर वाला फंदा था, इस फंदे को भी हम ऐसे इस फंदों के साथ में लेंगे, बैक साइड आएंगे, बैक साइड हम 9 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। जी देखिए 8 फंदे तो हमें ये वाले बनाए ने और एक फंदा हमारा जी सेंटर वाला है, एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ये देखिए हमारे पास ये 9 फंदे ने, इन 9 फंदों का उल्टा बुनते हुए ऐसे एक फंदा बना लेंगे, 9 का एक सीधी साइड आएंगे, इस फंदे को ऐसे ऐसे, नेक्स्ट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए मैं 11 फंदे बीच में सीधे बना लिए, जहाँ से अब फिर से हमारी ये स्टार्टिंग वाली वाली जहाँ से हम फंदा बनाएंगे ऐसे, इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, सीधा बना लेंगे, एक ऐसे ऐसे दो फंदे बनाए, नंबर 3 जाली में आएंगे, ये देखिए 4 जाली, नंबर जाली यहां से, इसे हमारा 4 नंबर जाली में, ये देखिए एक साइड में तो हमें ये फंदे बना लिए। अब हमारी इस निडल से हम जहां से स्टार्टिंग करेंगे पांचवी जाली में, इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे, 5, अब छठी जाली में ऐसे, 7वीं जाली में ऐसे, 8वीं जाली में ये देखिए फ्रेंड, मैंने 8 फंदे जहाँ से बना लिए, अब एक फंदा हमारा जहाँ से इसको ले लेंगे, बैक साइड आएंगे, अब हम 9 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, जी हमारे पास 9 फंदे ने, 9 का एक फंदा बनाएंगे ऐसे उल्टा बुनते हुए, ऐसे सीधी साइड आएंगे, फिर से हम 11 फंदे सीधे बना लेंगे, ऐसे हमारा जी फ्लावर डिजाइन आएगा, ये देखिए फ्रेंड। अब हमारे स्टार्टिंग से ये हमारा सेंटर वाला फंदा है जहाँ से, उसके बाद ये वाले फंदों को अब जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, ऐसे ही हम इस फ्लावर को भी बना लूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। जी देखिए फ्रेंड, मैंने 3 फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर ले। अब हमारी बैक साइड 10 रो, इस बार हमारे सभी फंदे उल्टे बनेंगे, ऐसे हमारे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, 10 सिलाइयाँ मैंने उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली, ऐसे हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी, ऐसे हमारा जी देखिए डिजाइन भी कंप्लीट हो गए। आपने इन्हीं 10 सिलाइयों को रिपीट करना होगा बार बार, फिर से हम वही रो 1 बनाएंगे, पहला फंदा आप उतार लेंगे,
एक, दो, तीन, चार। चार फंदे सीधे बनाए, एक और दो। आगे की साइड दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, ऐसे जाली बनाएंगे। आगे की साइड दो फंदों को उतारेंगे और पीछे एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, ऐसे इन्हीं दो फंदों को पीछे की साइड दो का एक, सात फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात फंदे सीधे बनाए, एक और दो। आगे की साइड दो फंदों का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे, ऐसे एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे। आगे की साइड दो फंदों को उतारेंगे और पीछे की साइड डालेंगे सिलाई, दो का एक बना देंगे। सात फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात फंदे सीधे, आगे की साइड दो फंदों का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे, पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, दो का एक, एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे। लास्ट आपके पास ऐसे दो फंदे बचेंगे जी। देखिए फ्रेंड, फिर से हमारी रो वन कंप्लीट हो गई। आपने इन्हीं 10 लाइन को रिपीट करेंगे, बनकर हमारा डिजाइन है देखिए ऐसा, ये वाला डिजाइन बनेगा फ्रेंड। ये देखिए, ये बटन पट्टी के साथ मैंने एक सीधी बेल निकाली है, ऐसे जैसे सेम हमारी गले के साथ ही चलती जाएगी। ये देखिए बाजू में भी मैंने एक बेल। फ्रेंड आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नए नए डिजाइन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार परी, सत श्री अकाल।